काका बाबा बधा राम राम। हूँ आ गया तमारी सेवा मुकेश परमार। खबर लीन जेव रीते बात कर रही कि आज पूरा देश में 11 राज्य नी बात करी, 11 राज्यों में आने 93 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव ने मतगणना मतदान थाय रो से। अन मतदान में करीबन बात करी कि तीसरो चरण ने आज 7 तारीखें मतदान थाय रही। एनी बात करी कि मोटा मोटा दिग्गज नेता भी मैदान में है। जेव रीते बात करी कि राष्ट्रीय अनेक फूलवाड़ी पार्टी ने जो अनेक बात करी कि देश गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में तीनी भी आज तीनी वोटिंग थाय रही। तेना क्षेत्र में आज खुद देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद गयो और तीने वोट नाखी अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तो निकली और लोग घेरता निकली वोट करवा जाओ। एवं रीते बात करी मध्य प्रदेश नीते मध्य प्रदेश में दिग्गज नी भी आज वोट यानी कि ज्योतिराज सिंधिया ने आज गुना क्षेत्र में भी आज वोटिंग थाय रही। एवं रीते बात करी कि मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तीना क्षेत्र में भी विदिशा में भी आज लोग वोटिंग पड़ रही। जी रीते बात करी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में से तो तीन भी आज वोटिंग तीना राजगढ़ क्षेत्र में आज वोटिंग चाली रही। आने के बात करी तो करीबन छः सीटों पर आज मध्य प्रदेश में छः सीटों पर आज मतदान थाय रहा। तो यह रीते बात करी देशभरनी 11 राज्यों में आज एक साथ मतदान थाय रहा। ये तीसरो चरण की बात करी सबसे पहले बात एक ये भी करी कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद अहमदाबाद गयो और तीन वोट नाखी हमने फिलहाल अने अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करवा निकली गयो। तो हेवी रीते नरेंद्र मोदी तुम तस्वीर देखी रहा खास कर रही आम व्यक्ति जो वोट नाखवा गयो हेवी रीते एक संदेश है कि खुद नो अधिकार नी वोट नाखी आयो। हेवी रीते गृह अमित शाह ने जो संसदीय क्षेत्र से अहमदाबाद इना क्षेत्र थी इस बार चुनाव मैदान में लड़ी गयो। तो हेवी रीते आप बात करी कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग चरण में वोट पड़ी गयो। जेवी रीते बात करी कि आवा वाली 13 तारीख ने कि झाबवा और रतलाम जे रतलाम झाबवा लोकसभा सीट पर भी लगभग 13 तारीख ने तक चौथा चरण में मतदान थाई जाए तीन हारू आज चुनाव प्रचार लगातार कांग्रेस काल राहुल गांधी जोबट में आवेलो। हेवी रीते बात करी तो आज धार जिले में अन खरगोन में नरेंद्र मोदी की आज सभाएं हैं तीन में आज केवी रीते बात कर रहे हो खुद नरेंद्र मोदी अने नरेंद्र मोदी अहमदाबाद वोट नाखी नाखिर हूँ कहदू केवी रीते बात करी कि तेने वोट नाखवा के बड़ी बात बताड़ियों आन आप कर्तव्य से। तो हेवी रीते बात करी राहुल गांधी भी ट्विटर पर एक लिखियो कि अपील करी कि खास कर घेरती निकलो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो अने संविधान वसाड़वानी बात से अन संविधान यो मामूली चुनाव नहीं एक संविधान वसाड़वानी एवं रीते राहुल गांधी ने ट्वीट अने हेवी रीते तेने सोशल मीडिया पर लिखी अन बात करी। नरेंद्र मोदी कहदु कि हर व्यक्ति ने घेरती निकली वोट करवानो अधिकार से तीन भूलता नहीं हो। एवं रीते आज खुद नरेंद्र मोदी जनसभा करी रो यात्राए कर रो तीन भाषणों में भी एवं रीतनी बड़ी बातें निकल रहा। सबसे पहले हम बात करें कि जो दिग्गज से कौन कौन से जैसे भी तुमने बता नाखियो कि क्रिकेट से लगाड़कर कांग्रेस ना भी दिग्गज से मैदान में फूलवाड़ी पार्टी ना भी दिग्गज मैदान आज से तिहुनी भी आज वोटिंग पड़ेगी। लेकिन इन पहले राहुल अपनी बात करें कि नरेंद्र मोदी हूँ कहदू पूरा हमने वोट नाखी ना बात मीडिया हाथ बात करता हूं कह दूं हाँ बड़ो आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में
मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो जेवी रीते बात करी कहीं ना कहीं राज्य में कितनी कितनी सीटों पर आज वोटिंग थाई रही, वोट पड़ी रही, बात करें कि सबसे पहले जे 11 राज्य से थी ने 11 राज्य में केव रीते कहाँ कहाँ है ना राज्य में कितनी सीटों, असम की बात करिए तो असम में चार सीट यानी कि 14 सीट से तीमाती 4 सीटों पर आज वोट पड़ी रही। बिहार की बात करिए तो बिहार में आज 5 सीटों पर मतदान थाई रहा, तो हेवी रीते कुल 40 सीटों से बिहार में, छत्तीसगढ़ में करीबन 11 सीटों से तीमाती 7 सीटों पर आज मतदान थाई रो। गोवा की बात करिए तो गोवा में करीबन 2-1 खाते आज मतदान थाई रही। जेवी रीते गुजरात की बात करिए गुजरात में 26 सीटों से सभी माती 25 सीटों पर आज मतदान थाई रो, एक पहलो क्लियर थाई गेलो अने की बात करी तो हेवी रीते मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें से 29 माती 9 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में वोटें पड़ी रही। फिर बात करें कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 11 आज वोटिंग थाई रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों से 80 माती 10 सीटों पर आज मतदान थाई रहा। तो हेवी रीते बात करें अलग अलग राज्य की केवी रीते पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में करीबन 42 वोटों से तो 42 सीटों से तिमाती 42 सीटों पर चुनाव मैदान में, लेकिन कुल 10 सीटों पर आज वोटिंग पड़ी रही। हेवी रीते दादरा नगर हवेली यानी कि दमन दीप जैसे 2 सीटों पर सभ्य आज एक खाते तीनी पर भी वोटिंग पड़ी रही हो। हेवी रीते कुल 93 आज सीटों पर मतदान थाय रहा से कुल 223 कुल सीटें से बात करें तो आज पड़ी गई हतरी हाल। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 सीटों से खास दिक्कत है, कांतिलाल यानी कि दिग्विजय सिंह से, शिवराज सिंह से, ज्योतिराज सिंधिया से, हेवी रीते जो दिग्गज चेहरा भी आज नहीं वोटों दिहुन थाई रो। प्रदेश की बात करी प्रदेश में हेवी रीते खाल थाई रो, देश की बात करी तो आज अमित शाह नहीं वोटों पड़ियो अमित शाह। तो हेवी रीते हूँ तमारी हस वस में फिर हेवी रीतनी तमाम खबरें देश प्रदेश में हूँ थाई रो तीन जानकारी तीनी खुश खबर तमारी वस में हम लेता आवूँ। इन्हें पहला तो मैंने एक भी बात बता दूँ कि मारा चैनल पहली बार जुड़ाया है तो SMS न्यूज़ लिखेलो है तीन सब्सक्राइब कर लेजो ताकि तुम्हारी वस में फिर हेवी रीतनी हम खबर तुम नोटिफिकेशन मिलता रहे जानकारी तुम्हारी वस में रिनापता रहूँ। काका बाबा बदा राम राम।